नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के सामने 20 क्वेश्चनों का जो है एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस शब्द में ऋश्वर नहीं है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि या फिर आज। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस शब्द में ऋश्वर नहीं है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि या आज। या आज में ऋश्वर नहीं है और सभी में री का मात्रा लगा हुआ है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20, 18, 17 या फिर 6। तो श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या होती है वो 20 होती है, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या फिर पूर्ण विराम। तो इस जगह जो है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में हमारे कह रहा है, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। जैसे हम किसी अभ्यास या किसी भी टॉपिक का जब समापन करते हैं तो समाप्ति सूचक चिन्ह का, कौन से समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वो, या बी, या फिर सी ऑप्शन में, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम किसी चीज़ को समाप्त करते हैं तो उसके अंत में हमको ऐसे समाप्ति सूचक का ये तो या तो फिर इसको ऐसे डॉटेड कर देंगे, या तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रकार से जो है समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा यहाँ से। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवे क्वेश्चन में हमारे पूछा जा रहा है, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, उप विराम, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या अर्ध विराम। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन देखेंगे हम। सिक्स क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं, सामासिक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। तो संयोजक चिन्ह होता है उसका एक नाम सामासिक चिन्ह भी है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक या उप विराम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का जो है विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आठवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, किस प्रकार का वाक है, साधारण वाक, संयुक्त वाक, मिश्र वाक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये एक प्रकार का मिश्र वाक है। जब तथापि जैसे जो है संयोजक शब्द बीच में जुड़ते हैं तो वहाँ पे मिश्र वाक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नौवे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त पड़ते हैं, एरा, रा, था या फिर ईरा। तो लुटेरा शब्द में जो प्रयुक्त पड़ता है वो आपका एरा हो जाएगा, लुट धन एरा, यहाँ से लुटेरा पड़ते का जो है एरा पड़ते हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन देखेंगे। दसवें क्वेश्चन में पूछ रहा है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, क्या दें, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, अर्थ के आधार पर वाक का भेद बताएं, प्रश्नवाचक वाक है, विस्मयवाचक वाक है, इच्छावाचक वाक है या निषेधवाचक वाक है। तो यहाँ से इच्छावाचक वाक है, हम इच्छा जता रहे हैं कि ईश्वर आपको दीर्घायु दें, यानी ये एक प्रकार का इच्छा सूचक वाक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ग्यारहवां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या, कुछ, कौन या ये। तो यहाँ से निश्चयवाचक सर्वनाम आपका डी हो जाएगा, ये है, यानी मतलब निश्चित करता है, ये है जो कोई चीज़ है या कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है वो ये क्या निश्चित करता है कि ये मतलब निश्चित है ये है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। बारहवां क्वेश्चन हमारा है। बारहवां क्वेश्चन में पूछा गया, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मीठा,
मिठास, आस, प्यास। तो मिठास में आपके आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मीठा धन आस मिलके मिठास बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग में आएगा, ना ये तत्सम शब्द है, ना तद्भव शब्द है, ना ये देशज शब्द है, ये एक प्रकार का विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, समूह आची शब्द की पहचान करें, लेखक गण, पानी, भय या दान, ऐसे शब्द का चयन करना है जो समूह का बोध करा रहे हों। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, लेखक गण, मतलब लेखक का गण है एक, यानी यहाँ समूह का बोध हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 15 क्वेश्चन हमारा जो है, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने, जो सो जहाँ लगा होता है वो कैसा सर्वनाम होता है, इसकी पहचान करना है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो जो सो जो है संबंध को दर्शाता है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखेंगे, 16 क्वेश्चन में पूछ रहा है, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक, जातवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। तो विद्वान जो होगा आपका एक जात का बोध करा रहा है, विद्वान कोई भी हो सकता है, तो विद्वान एक कॉमन बात कर रहा है विद्वान, तो ये जातवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 17 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 17 क्वेश्चन में संध से संबंधित क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, वाक जाल का संध विच्छेद होगा, तो यहाँ पे वाक जाल होगा या वाक धन जाल होगा या वाक धन जाल होगा या वाक धन जाल होगा, यहाँ वाक जाल हो जाएगा, काका गाहा के बाद में जब ये चाचा जाजा कोई भी बड़ आते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उस बड़ का जो है तीसरा बण आ जाता है, इस प्रकार से यहाँ वाक धन जाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 18 क्वेश्चन में पूछा गया है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, यण संध, दीर्घ संध या वृद्धि संध या गुड़ संध। तो चंद्रोदय में आपके गुड़ संध होगी, चंद्रोदय यहाँ से चंद्रोदय जो है गुड़ संध हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन में पूछा गया, 19 क्वेश्चन कह रहा है, सदाशय का सही संध विच्छेद होगा, सद धनाशय, सतत धनाशय, सत धनाशय या फिर सदा धनाशय। तो सदाशय का सही संध विच्छेद जो होगा सद्धनाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आज का अंतिम और जो है 20 क्वेश्चन हमारा है, महाशय शब्द का सही संध विच्छेद है, महा धनाशय, महाधनाशय, महाधनाशय या महास धनाय। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाधनाशय जो है महाशय का संध विच्छेद होता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।